राधे जय माता दी। मित्रों, चंद्रवन्नी भक्त रस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्त रस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति माँ भगवती से करवत प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करें और माँ भगवती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो चंद्रवन्नी भक्त रस चैनल के माध्यम से आज का जो कार्यक्रम होगा हमारा, वह होगा मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए आने वाले मई 2024 के अनुसार आपकी लव लाइफ और वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। साथ ही साथ बात करेंगे उपायों की, जिन उपायों को करके आप इस मई के महीने को सुफलदायी बना सकेंगे। तो सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए मई का महीना आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो जितने भी मेष राशि के जातक हैं, आपके प्रेम जीवन पर नजर डालें तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में जो है प्रथम भाव में बैठ विराजमान होंगे, जिसके साथ जो है शुक्र और बृहस्पति जैसे ग्रह भी मौजूद होंगे और सप्तम भाव पर जो है इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो प्रेम संबंधों के लिए यह मई 2024 का महीना जो है यह समय जो है आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आप अपने प्रिय से विवाह करने में भी जो है इस महीने सफल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आप प्रेम विवाह भी जो है इस महीने कर सकते हैं। हालांकि मंगल के 12वें घर में होने पर और राहु और शनि के साथ पंचम घर को देखने के कारण समय समय अनुसार आप दोनों के बीच में बहस और विवाद जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपका प्यार मजबूत रहेगा ताकि आप इन स्थितियों से जो है बाहर भी आ सकें और आप इन स्थितियों से जो है बाहर भी आ सकते हैं। महीने के दूसरे भाग में यानी कि 14 मई को सूर्य भगवान जो है वृषभ राशि में जो है आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। तब इस समय जो है आप अपने प्रियजन की बात जो है अपने परिवार वालों के साथ करवा सकते हैं। इससे आप अपने प्यार को अगले स्तर पर ले जाने में भी सफल हो जाएंगे। जिनका विवाह हो चुका है तो विवाहित जातकों के लिए मई महीने की शुरुआत जो है अनुकूल रहेगी, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र के प्रभाव से आपके और आपके जीवन साथी के बीच में अच्छा तालमेल रहेगा। शुक्र के प्रथम भाव से सातवें भाव को देखने के कारण जो है घनिष्ठ संबंधों में वृद्धि होगी, लेकिन प्रथम भाव में सूर्य की उपस्थिति के कारण आप थोड़ा सा अहंकारी हो सकते हैं और अपने जीवन साथी के बारे में जो है कुछ बुरा भी बोल सकते हैं जो उन्हें बुरा लग सकता है। बुध राहु और मंगल जो है 12वें घर में रह करके कुछ जो है आपको परेशान आपके लिए जो है कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं और सातवें घर पर मंगल की दृष्टि आपके लिए जो है आपके जीवन साथी के बीच में झगड़े विवाद इत्यादि की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। इसलिए आपको कुछ थोड़ा सा सावधान जरूर रहना होगा। हालांकि 14 मई को सूर्य के दूसरे भाव में आने से ये परेशानियां जो हैं कुछ हद तक समाप्त हो जाएंगी, कम हो जाएंगी और आपका आपसी प्रेम बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं उपाय की कि मेष राशि के जातक क्या उपाय करें जिससे आप इस मई के महीने को सुफलदायी बना सकें और अपने प्रेम जीवन को जो है आनंददायी बना सके। तो मेष राशि के जातकों को प्रत्येक मंगलवार को जो है गुड़ में के लड्डू बनाकर गाय माता को आपको खिलाने चाहिए और प्रतिदिन सूर्य देव को आपको जो है हल्दी और अक्षत मिला करके जल अर्पित करना चाहिए। अगर आप यह उपाय करेंगे तो आप इस महीने को सुफलदायी बना सकेंगे। तो आज का कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। आज का कार्यक्रम यहीं पे करेंगे समाप्त। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक माँ भगवती आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। जय माता दी।